ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा मुकम्मल होने से पहले ही तनाज़ात का शिकार। महकमा खजाना पंजाब और LDA में 10 अरब की अदायगी ना करने पर ठन गई। मंसूबे के लिए लिया गया कर्ज वापस ना करने पर दो इदारे आमने सामने। पंजाब के नए बल्दियाती निजाम की तजवीज़ करदा सिफारिश सामने आ गई। विलेज काउंसिल और मोहल्ला काउंसिल का इंतखाब गैर जमाती बुनियादों पर कराने की तजवीज़। जिला काउंसिल की बजाय तहसील काउंसिल के निजाम की सिफारिश। तहसील और म्यूनिसिपल काउंसिल के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने की तजवीज़ दी गई। वज़ीरे आज़म की मंजूरी के बाद पंजाब काबीना और पंजाब असेंबली से मंजूरी हासिल की जाएगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज नैब की गिरफ्त से बाहर। हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल तक हमजा शहबाज की बुरी जमानत मंजूर कर ली। 1 करोड़ रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस मलिक शहजाद और मिर्जा वक्कास पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का नैब को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ हमजा शहबाज। बाप बेटे के गिर्द नैब का घेरा तंग। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मंगल को 11 बजे तलब। नैब ने आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलबी का नोटिस 96H मॉडल टाउन वसूल करवा दिया। शहबाज शरीफ से अहलिया नुसरत शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल होने वाली रकम से मुतालिक पूछताछ की जाएगी नैब जराए। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के लिए एक और मुश्किल, नैब का फिर से बुलावा। 10 अप्रैल को दिन 11 बजे तलब कर लिया, तलबी का नोटिफिकेशन भी जारी। हमजा शहबाज मॉडल टाउन से हाईकोर्ट पहुंचे तो कारकुनान के जम्मे गफीर ने किया इस्तकबाल। नारों की गूंज, कारकुनों के बीचों बीच कमरा अदालत तक पहुंचे अमजद परवेज एडवोकेट आजम नजीर तारड़ मलिक अहमद पर मुश्तमिल वकला की टीम साथ थी। कमरा अदालत में रश बढ़ने पर समाअत रोकनी पड़ी, फिर दोबारा समाअत हुई। उबूरी जमानत की खबर मिलते ही मतवालों का जश्न, हमजा हमजा के नारे। अदालत से नून लीग सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंचने पर भी कारकुनान ने इस्तकबाल किया। हाईकोर्ट में नैब और हमजा के वकला टीम आमने सामने। अमजद परवेज एडवोकेट आजम नजीर ताड़र पर मुश्तमिल वकला की टीम के हमजा के हक में दलाइल। डिप्टी डायरेक्टर चौधरी असगर समेत नैब की 8 रुकनी खसूसी टीम शरीक हुई। 2 डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद से बुलाए गए, रिकॉर्ड भी साथ लाए, दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की। शरीफ खानदान के कारोबार से जुड़े अहम फर्द की दुबई फरार होने की कोशिश। रमजान शुगर मिल्स के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक को लाहौर एयरपोर्ट पर FIA ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को ऑफलोड करके नैब के हवाले कर दिया गया। मुश्ताक चीनी का नाम ECL में शामिल, नैब को 2 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है जराए। मुश्ताक चीनी शरीफ खानदान की किसी शुगर मिल का मैनेजर है और ना ही कभी मुलाजिम रहा है। तर्जमान शरीफ खानदान। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का साबिक वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात पर इत्तेफाक। कल जाती उम्रा में मुलाकात होगी। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, नैब केसेस और अपोजिशन की आइंदा हिकमत अमली पर गौर होगा जराए। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। मजीद समाअत 16 अप्रैल को होगी। लाहौर में तमाशा लगाया गया। हम भी कारकुन इकट्ठे कर सकते थे मगर हमें अदलिया पर एतमाद है। शैब सिद्दीकी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीरे आज़म ने हमेशा अदालतों का एहतराम करने का कहा। फैसले हक में आए या मुखालिफ, अदालतों और कानून पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। तर्जुमान वज़ीरे आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि अलीम खान का केस भी अदालत में है। तहरीक इंसाफ अदलिया के फैसलों को कबूल करती है। हुकूमत अकलियतों के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए काम कर रही है।
आरजी तजावजात को दोबारा कायम न होने के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखने का हुक्म। कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा पराचा की जेर सदारत इजलास। तजावजात, बिजली के लटकते तार, पार्किंग, ट्रैफिक और शजरकारी का जायजा लिया गया। कमिश्नर कहते हैं शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवानी को बेहतर करने के लिए वर्किंग जारी है। डीसी सालेहा सईद की जेर सदारत इंसाद पोलियो से मुतालिक इजलास। मार्च में पोलियो मुहिम में नाकिस कारकर्दगी और गैर हाजिरी पर बड़े फैसले। डीओ हेल्थ डॉक्टर फैसल की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। वार्निंग जारी। 18 लेडी सेंट्री पेट्रोल और सेंट्रल पेट्रोल नौकरियों से बर्खास्त। शहर की दीवारों को गंदा करने वाले होशियार। दीवारों पर ऊट पटांग लिखने और गंदा करने पर मुकदमात दर्ज होंगे। महकमा बल्दियात ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को हुक्म दे दिया। वॉल चॉकिंग के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत। दीवारों पर लगे पोस्टर और नफरत अंगेज जुमलों को फौरी तौर पर मिटाया जाए। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन को मरासला। तमाम जोन्स को अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। चीफ ऑफिसर महमूद मसूद तमन्ना। जस्पा खैरसगाली के तहत 100 भारतीय माहीगीर रिहा। माहीगीरों को समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। माहीगीर कराची से लाहौर पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। ईदी फाउंडेशन की जानिब से भारतीय माहीगीरों को खाना और तहाइफ भी दिए गए। पंजाब जुडिशियल अकेडमी में सीनियर सिविल जजेस के नए तरबेती सेशन का आगाज। हाईकोर्ट के जस्टिस समीर भट्टी, डीजी जुडिशियल अकेडमी नजीर अहमद गुंजाना की तकरीब में शिरकत। अल्लाह ताला ने हमें माशरे की बेहतरी की जिम्मेदारी सौंपी है। जस्टिस अमीर भट्टी का तकरीब से खिताब। अवामी मसाइल का हल अवामी नुमाइंदों की अवलीन जिम्मेदारी। समनाबाद में सूबाई वजीर सनअत तजारत मियाँ असलम इकबाल की खुली कचहरी। अवामी मसाइल सुने और जरूरी इकदाम पर अमल दरामद का हुक्म दिया। कहते हैं हमें इस्लाहात की सख्त जरूरत है। तनुमंद बहावर बहादुर एलीट फोर्स के मजीद 976 जवानों की ट्रेनिंग मुकम्मल। एलीट ट्रेनिंग सेंटर बेदिया में पासिंग आउट परेड। मेहमान खसूसी आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी ने परेड का मुआयना किया। एडिशनल आईजी आमिर मलिक, एडिशनल आईजी सीटीडी राय ताहिर, डीआईजी चुंग सेंटर मिर्जा फरान बेग और दीगर भी पुरवकार तकरीब में शरीक हुए। जवानों ने मार्शल आर्ट्स का बेहतरीन मुजाहरा भी पेश किया। वक्त के साथ जुराइम पेचीदा और वुस्तत इख्तियार करते जा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजरिमान को गिरफ्तार करके सजा दिलवाएं। एलीट फोर्स की नफरी को जरूरत के मुताबिक बढ़ाया जाए। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। लाहौर हाईकोर्ट की पसंद की शादी करने वाली खातून को शौहर के साथ जाने की इजाजत। अदालती फैसले के बाद जोड़े ने कमरा अदालत से निकलते ही दौड़ लगा दी। गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चले गए।